इस्राएल सह सर्वदा ब्रिटेन निजर सुरक्षा लाग्छ इस्राएल गर्ुवा संग्राम ब्रिटेन को समर्थन गरेर इज्राएल र विजय ब्रिटेन चाहे बोल्दै ब्रिटेन प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन परे गस्तरे आसी गस्त कहिछंती आतंकवादी आतंकवाद विरोध रे से सर्वदा रही रो दुख से समदुखी पालेस्टिनियो माने हमास शिकार होसह साधारण नागरिकों सुरक्षा प्रति रो सतर्कता एवं ब्रिटिश नागरिकों सफल उद्धार दिगरे रो भूमिका को प्रशंसा करथिले सुनक से कहीं हमाश जो पले मान शिकार होती गाजारे इज्राएल मानविक सहायता लगी को प्रशंसा करते सुनाक युद्ध तुरंत बंद हो चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग बिवाद समाधान लगी आरब राष्ट्रस मिलित भावे कार्य करने को देख प्रस्तुत बोली से दक्षिण लेबानन रुईट ग्राम उपार स्ट्राइक कर इज्राएल यह आक्रमण में प्राण हर सातज शिशु और नागरिक गतका तेल आविव ग आसी इज्राएल प्रधानमंत्री बेजामिन ने आमेरिका राष्ट्रपति जो बैडेन भेटा सह इज्राएल सपक्ष में आसंका राफा सीमा दे कोड़े ट्रक् मानविक सहायता सामग्री सूचना पहुंचबना तेज इज्राएल गाजा सीमांत विपुल संख्यक टंक मुतयन होती गाजारे प्रकाश पाई आतंक नेता आलोचना पर सुनक साउदी आरब गाजारे वेस्ट बैंक बारु तेर जन भारतीय फसीकू बर्तमान उद्धार करने संभव नुहे बैदेश मंत्रा गाजारे कौन सी भारतीय मृताहत संपर्क में सूचना नहींखपा अरिंदम बाग्जी राष्ट्रपति का सह आलोचना मोदी देखिए ऑपरेशन अजय चल रहा है आ, उसके तहत करीब 1200 सौ लोग अभी वापस आए हैं पांच फ्लाइटों पर आ, इसमें करीब 18 इनमें से नेपाली नागरिक भी शामिल है आ, हम सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं और आवश्यकता के आधार पर हम फ्लाइट्स और प्लान करेंगे गाजा में स्थिति ऐसी है निकलना थोड़ा मुश्किल है पर आ, मौका मिले तो अगर वो निकल पाए कुछ रिपोर्ट्स हैं कि एक दो निकल भी आए हैं पर हम इसको गलत खबर मैं नहीं देना चाहूंगा अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं आए आ, पर इसराइल में अभी जो हमारा चल रहा है तलेवी से फ्लाइट्स वो अभी जैसे मैंने कहा करीब 1200 निकले हैं पांच फ्लाइट्स में और भी फ्लाइट्स हम प्लान कर रहे हैं जैसा डिमांड रहेगा उस तरह उसके बेसिस पे ऑन द लार्जर इशू ऑफ वॉट हेज हैपंड ऑन द इंडियन मेगा योर क्वेरी वॉज ऑन इंडियन Casualty. No, I uh, thankfully have not received any reports of any Indian casualty. Uh, as I had mentioned, one Indian national had been injured. She is uh, receiving medical care, and I understand her condition is now stable.